नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं चैनल में मैं प्रिंस आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको टेक्नोलॉजी ऑन एंड ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो मैं भेजता रहूँगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पोलोनिक्स पे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। First, let me open that Poloniex. Okay. The first step to trading on Poloniex is that first we should have account on Poloniex. So, पहले हमारा account होना चाहिए, KYC को upload करके हमारा account sign up कर सकते हैं। Sign up करने के बाद 2 to 4 working hour के अंदर वो लोग account एक्टिवेट कर देते हैं हमारा। उसके बाद में अगर हमको कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर परचेस करनी है तो हमारा दूसरा स्टेप है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बिटकॉइन बाय करना पड़ेगा। बिटकॉइन हम यूनो कॉइन और ज़ेप्पे से कर सकते हैं, और जब हमारे अकाउंट के यूनो कॉइन और ज़ेप्पे के अंदर बिटकॉइन हम परचेस कर लेते हैं तो हमको कैसे ट्रांसफर करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद में कॉइन कैसे परचेस करना है बिटकॉइन में से वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं अभी बैलेंस डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। तो पहले हम देखते हैं बीटीसी बिटकॉइन। अगर हमको बीटीसी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में से यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो पहले हमको डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा। वहां पे एक एड्रेस आएगा, वो एड्रेस के ऊपर हमको बिटकॉइन सेंड करने होंगे। अगर हम मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्यूआर कोड की मदद से हम इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरली 2 to 4 वर्किंग आवर लगता है पैसा ट्रांसफर होने में पोलोनिक्स पे। उसके बाद में जब हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया तो वो पैसा हमको यहाँ पे बीटीसी के रो के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि हमने बीटीसी के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया है। ओके, सो फिलहाल मेरे पास 0.000107 बीटीसी अवेलेबल है इसके अंदर। नाउ अगर मेरे को ये BTC में से अगर कोई भी XYZ कॉइन परचेस करना है तो मैं कर सकता हूँ। पहले हम लेफ्ट साइड पे एक एक्सचेंज का बटन है, वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 टैब दिया हुआ है। फर्स्ट है BTC, सेकंड है ETH, थर्ड है XMR, फोर्थ है USDT। सो जनरली हमने BTC के अंदर ट्रांजेक्शन किया है तो हमको BTC पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे सारे कॉइन देख सकते हो, स्क्रॉल करके भी आप देख सकते हो बहुत सारे कॉइन्स अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर हमको जो भी कॉइन परचेस करना है, लेट्स से हमको इथेरियम परचेस करना है, इथेरियम पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे पूरा आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे पूरा इथेरियम का पेज आ जाएगा। उसका चार्ट भी हम देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर हमको जुलाई 2016 से अगर देखना है पूरा इथेरियम का चार्ट कैसे वो अप डाउन हो रहा है तो भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये प्राइस है। फर्स्ट यहाँ पे तीन बॉक्स है, पहला है बाय ETH मींस बाय इथेरियम, उसके बाद है स्टॉप लिमिट, उसके बाद में सेल ETH। ओके, तो अगर हमको बाय करना है तो यहाँ पे आप जो भी प्राइस दिखोगे वो होगी इथेरियम की प्राइस। सो फिलहाल इथेरियम की प्राइस है 0.062699 BTC। अगर हमको लेट से 100 ETH परचेस करने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको 6.26 BTC चाहिए। सो हमारे अकाउंट में अगर 6.26 BTC है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आपको वो बैलेंस और डिपॉजिट के अंदर दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी 3000 जैसे ब्रस्ट कॉइन है, 13 वर्ट कॉइन है,
जो मैंने परचेस किया है पहले, तो ऐसे हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है कि भाई हमने बाय कर लिया, सॉरी। उसके बाद में आप देखोगे सेल ETH, तो अगर हमको हमारे पास ETH है और हमको लगता है कि हमने प्रॉफिट बना लिया है 10x 20x, अगर हमको सेल करना है तो हम यहाँ पे प्राइस लिख के अमाउंट लिख के सेल कर देंगे, तो वो पैसा ऑटोमेटिक BTC के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो से पता चल जाएगा कि हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पोलोनिक्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे कमेंट कीजिए। आई विल रिप्लाई दैट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू दोस्तों।